हाय फ्रेंड्स, आज आम बनवा बहुत ही टेस्टी एग आउ आलू बिरयानी। या को आपण घरे बहुत सिंपल वे रे कड़े रे बनि परिबे। ए रेसिपी रो वीडियो को आपण अन्य मानक सहित शेयर करी सेमानकु निश्चय सिखंतु। वीडियो तळे कमेंट करिक मते जणांतु आपणकु केमति लागिला। ता पूर्वरु आपण मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु आ साइड रे थिबा बेल आइकन को नुवा रेसिपी रो नोटिफिकेशन पे निश्चय क्लिक करंतु। बिरयानी रे यूज करिया पे जो फ्राइड ओनियन दरकार सेति पे गोटे कड़े रे तेल गरम करी दुईटा मीडियम साइज रो प्याज को लंबा लंबा काटी हाई फ्लेम रे ताकु ब्राउन कलर हेला पर्यंत भलो भाबरे फ्राई करनबा। ये देखंतु प्याज बे पूरा पूरी ब्राउन कलर हे गेलडी। ताकु गोटे प्लेट रे काढी साइड रे आमे रखि नबा। ओरे बिरयानी बनेला बेले याकु लेयर लगे बारे यूज करबा। आपण चाहिले याकु एयर टाइट कंटेनर रे रखी पछरे केते बेले बे बिरयानी बनेला बेले याकु यूज करि परिबे। एबे बिरयानी बने पे प्रथम आमे दुईटा बॉइल्ड करथिबा अंडा को गरम तेल रे हल्का फ्राई करनबा। याकु आपण मीडियम फ्लेम रे चारि आडु हल्का ब्राउन कलर करनियंतु। ये देखंतु बे हे गेलानी ताकु गोटे प्लेट रे काढी नबा। एबे सेही गरम तेल रे आमे कटा हेथिबा आळु पकेइबा। ए आळु को टिके बड़ बड़ साइज रे काटंतु। ए आळु को मीडियम फ्लेम रे हल्का ब्राउन कलर हेला पर्यंत फ्राई करनबा। ये देखंतु आळु भी हमर हल्का ब्राउन कलर हे गेलानी। ताकु गोटे प्लेट रे आमे काढी नबा। बिरयानी बने पे खड़ा मसला रे मुठारे गोटे इंच दालचीनी खंड दुईटा तेजपत्र ता सहित 10 रु 12 टी गोटा गोलमरीच 4 रु 5 टी छोटो इलायची या फिर गुजराती 5 रु 6 टी लवंग आ गोटे कोला गोलमरीच नेची। एबे प्रथमे कड़ई रे आमे अल्प किछ तेल गरम करी सेथिरे सब खड़ा मसला पकेबा। दालचीनी कोला अळैच गुजराती लवंग गोलमरीच ए सब जिनस को एबे मीडियम फ्लेम रे हल्का आमे फ्राई करनबा। फ्राई हेला परे एबे सेथिरे दुईटा कटा हेतिबा मीडियम साइज रो प्याज पकेबा। ए प्याज को आपण लंबा लंबा काटिबे। प्याज को आमे गोल्डन कलर हेला पर्यंत मीडियम फ्लेम रे फ्राई करनबा। ये देखंतु एबे ये गोल्डन कलर हे गेलानी। एबे सेथिरे दुई बड़ चम्मच अदा रसुण पेस्ट पकेबा। आ अदा रसुण पेस्ट को गोटे रु 2 मिनिट हल्का फ्राई करनबा जेंती तार कंचा स्मेल पळेबो। एबे सेथिरे दुईटा कटा हेतिबा मीडियम साइज रो टमाटो पकेबा। दुई बड़ चम्मच धनिया पाउडर ता सहित गोटे बड़ चम्मच लाल मिर्च पाउडर आपण आपण को स्वाद हिसाब रे पकांतु। आधा चम्मच हळदी पाउडर मिक्स कला परे एबे सेथिरे स्वाद हिसाब रे लूनो पकेबा। ए सब जिनस को भल भाव मिक्स कला परे ए मसला को कभर करी 5 मिनिट पर्यंत कुक हबा को दबा। 5 मिनिट परे एबे कभर काढ के देखिबा मसला भल भाव कुक हे टमाटो भल भाव सॉफ्ट हे जाईची। ए मसला को भल भाव कसिला परे प्रथमे आमे एबे गैस को बंद करिबा। गैस को बंद कला परे ही एपटे गोटे बाउल रे आमे 2 रु 3 बड़ चम्मच दही नबा। ए दही के आमे भल भाव प्रथम फेंटी नबा। ए फेंटी थिबा दही के बे मसला कसारे पकेई नबा। आ दही को आमे सांगे सांगे मसला सहित मिक्स करि नबा। आपण जदि सांगे सांगे दही को मिक्स न करिबे दही आपणकर फाटी जिवो सेति पे गैस को बंद कला परे ही दही पकाई ताकु मिक्स करि नियंतु। एबे आमे गैस को ऑन करिबा। एबे सेथिरे प्रथम रु फ्राई करके रखिथिबा आळू पकाई ए आळू को टिके मसला सहित कसि नबा। एबे सेथिरे शाही बिरयानी मसला रु 2 बड़ चम्मच पकेबा। ए शाही बिरयानी मसला आपन को मार्केट रे बहुत इजीली मिलिबो। याकु आपन निश्चय यूज करंतु। एथिरे बिरयानी रो टेस्ट और फ्लेवर भलो आसिबो। सब जिनस को मिक्स कला परे एबे सेथिरे फ्राई करके रखिथिबा अंडा पकेबा। ए अंडा को आपन हल्का हाथ रे मिक्स करंतु नले अंडा भांगी जिवो। एपटे बिरयानी पे मु गोटे छोट कप रे 2 कप लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस को 10 मिनिट पर्यंत पानी रे भिजे कि रखिछि। याकु आपन 10 मिनिट रु अधिक भिजंतुनी। एबे बासमती राइस को आमे भल भाव धोईला परे बिरयानी रे ऐड करिबा। ए बासमती राइस को आपन भल भाव मिक्स करंतुनी। जस्ट ऊपर एमती लेयर दियंतु। जो मानको अंडा पसंद नै सेमाने चाहिले खाली आलू रे भी एमती बिरयानी बनि परिबे। ए बिरयानी रो रेसिपी को आपण अन्य मानक सहित शेयर करी सेमानकु निश्चय सिखंतु। आगु को आसुतिबा क्रिसमस न्यू ईयर आपे कोनोसी भी स्पेशल ओकेजन ने घरे थरे निश्चय बनंतु। ये बहुत ही टेस्टी बनिबो। एबे उपरु किछि पुदीना पत्र ता सहित प्रथम रु फ्राई करके रखिथिबा अल्प किछि प्याज दबा।
ଏବେ ଯେଉଁ କପ୍ରେ ମୁଁ ବାସୁମତୀ ରାଇସ୍ ନେଇଥିଲି ସେଇ କପ୍ରେ 2 କପ୍ ଚାଉଳ ହିସାବରେ ମୁଁ 3 କପ୍ ପାଣି ନେବି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବିରିୟାନୀ ବନେଇଲା ବେଳେ ସବୁବେଳେ ଚାଉଳର 1.5 ଗୁଣ ପାଣି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଠାରେ 2 କପ୍ ଚାଉଳ ହିସାବରେ 3 କପ୍ ପାଣି ନେଇଛି। ଏଥିରେ ବିରିୟାନୀ ପୂରାପୂରି ପରଫେକ୍ଟ ଆଉ ଚାଉଳ ଗୋଟା ଗୋଟା ରହିବ। ପାଣି ଆଡ୍ କଲା ପରେ ଏବେ ସେଥିରେ କଟା ହୋଇଥିବା ଅଳ୍ପ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଉ ଉପରୁ ଫ୍ରାଏ କରିଥିବା ପିଆଜର ଲେୟର୍ ଲଗାଇବା। ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଏବେ ଉପରୁ ଅଳ୍ପ କିଛି କଟା ହୋଇଥିବା କାଜୁ ବାଦାମ। ବିରିୟାନିର ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ଫ୍ଲେଭର ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠାରେ 3ରୁ 4 ଡ୍ରପ୍ ରୋଜ୍ ଏସେନ୍ସ ୟୁଜ୍ କରିଛି। ଏହି ରୋଜ୍ ଏସେନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ଇଜିଲି ମିଳିବ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ ବିରିୟାନିକୁ କଭର୍ କରି 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହିଁ କୁକ୍ ହେବାକୁ ଦେବା। 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏବେ କଭର୍ କାଢ଼ିକି ଦେଖିବା ବିରିୟାନୀ ପୂରାପୂରି ପରଫେକ୍ଟଲି କୁକ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଚାଉଳ ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଗୋଟା ଗୋଟା ବନିଛି ଆଉ ବିରିୟାନିରୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି। ଆପଣ ଏହି ରୋଜ୍ ଏସେନ୍ସକୁ ନିଶ୍ଚୟ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହି ରେସିପିକୁ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଶିଖାନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଉଳ କେମିତି ଗୋଟା ଗୋଟା ବନିଛି। ଏବେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଦେବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ଘିଅ ଉପରୁ ପକାଇବା। ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ, ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ୟାପରେ କୌଣସି ବି ସ୍ପେଶାଲ୍ ଅକେଜନ୍ରେ ଆକୁ ଆପଣ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ବନାଇ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଇଏ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ବନିଛି। ଏବେ ଉପରୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଫ୍ରାଏ କରିଥିବା ପିଆଜ, କଟା ହୋଇଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଉ ପୁଦିନା ପତ୍ର ଦେଇକି ଏମିତି ଆମେ ସର୍ଭ କରିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଥର ବନାଇ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଙ୍ଗ।